दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी, और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खड़गे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं, क्योंकि आप लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है, तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं, और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और दो मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे, तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद।